हे स्टूडेंट वेलकम वन सेकेंड बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग 6.3 एक्सरसाइज का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसे आपको मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये फिफ्थ की तरह ही है, बस वहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर हमको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर से जरूर देख लेना, ताकि अगर ये समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको पता ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले ही दे रखा है। तो ये स्टार्ट करते हैं और पहले तो रीड करते हैं ये क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये जो नंबर हमको दिए गए हैं इसमें आप वो छोटा से छोटा नंबर का पता लगाइए जिसको अगर आप डिवाइड दोगे ना इन नंबर से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, यहाँ पर डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, यानी कि अब आपने डिवाइड करने के बाद जो नया स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है आपको, जैसे यहाँ पर करना पड़ रहा था। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ रहा था, यहाँ पर अब डिवाइड करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ गए हो क्वेश्चन में 4 वाला वीडियो देख के, 5th वाला में मल्टीप्लाई करना सीख गए हो, तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, आइए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, फिर आपसे भी ये ईजी लगने लगेगा। तो ये देखो, ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है 252, वहाँ पर भी था 5th वाले क्वेश्चन में भी, 6th वाले क्वेश्चन में भी 252 है। तो जैसे वहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता ही है डिवाइड देना पड़ता है, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 हो गया, 5 है तो 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 के टेबल में आता नहीं है, 5 में से 4 कट हुआ, बचा 1, वो 1 आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 2 6 हमारा 12 हो जाएगा। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना सेम वही चीज़ रहता है, बस डिवाइड में हम लोग उतारते जाते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है। क्लियर, अब यहाँ पर ये फिर 2 से हो रहा है, लास्ट में 6 है तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 3 से होगा हमारा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर अब देखो ये हमारा फिर से 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, और लास्ट में अब ये 7 से हो रहा है, तो 7 1 जा 7 आ गया। अब देखो पिछले बार क्या था, मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पर हम जब इसका प्राइम फैक्टर देखते हैं 252 का, तो कौन कौन से मिलते हैं हमको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये फिर मल्टीप्लाई में एक 7 है। तो हम जानते क्या हैं कि जब कोई भी नंबर इस परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो उसके पूरे के पूरे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, जितने भी हमको प्राइम नंबर्स मिलते हैं प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं उनका पेयर बना रहता है। जैसे यहाँ 2 का पेयर बना हुआ है, 3 का भी पेयर बना है, लेकिन 7 का पेयर यहाँ पर नहीं बना है। तो अगर हमसे ये कहा जाता कि आप बताइए कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, तो हम लोग एक 7 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का भी पेयर बन जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किस नंबर का डिवाइड किया जाए, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक 7 का डिवाइड कर देंगे। 7 का डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि ये 7 और ये 7 आपस में कट हो जाएंगे, तो ये 2 बच जाएगा और ये 3 का पेयर बच जाएगा। क्लियर है, और जब पेयर बचते हैं तब हम जानते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ऑटोमेटिक बन जाता है। समझ में आ रहा है बात ना, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पेयर बनाने के लिए, और इस बार हम लोग वो जो एक्स्ट्रा नंबर है ना उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, ताकि बाकी सभी नंबर्स क्या हो, परफेक्ट पेयर में रहें और फिर उनका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमसे जो रिक्वायर्ड नंबर, हमसे जो पूछा गया था नंबर जिससे हमको डिवाइड देना है, वो कौन सा है, वो 7 है। इस तरीके से आपको लिखना नहीं है ना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। क्लियर है, जैसे कि मैं देख लो फिर से, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 रहता, ठीक है, और हमसे बोला जाता है कि आप 3 को आपको यहाँ से गायब करना है ताकि ये 2 मल्टीप्लाई 2 बचे, केवल पेयर बचे रहे, तो हम क्या करते हैं पूरे में 3 का डिवाइड दे देते, तो ये 3 और ये 3 कट हो जाता तो 2 मल्टीप्लाई 2 बच जाता। सेम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग, कि हम लोग 7 से इस पूरे का डिवाइड दे दे रहे हैं, तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, तो ये 2 का पेयर और 3 का पेयर बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 7, यानी कि हम लोग को 7 से ही डिवाइड देना है। क्लियर है, ये जो नंबर मिल रहा है ना इससे हमको डिवाइड देना है। अब लेकिन आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि आपको पता ही, जब आप 7 से डिवाइड दोगे तो ये 7 गायब हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा। तो जो अब स्क्वायर रूट मिलेगा नए वाला नंबर का, वो क्या होगा, यही बस बचेगा ना। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट जो है वो कितना हो गया, स्क्वायर रूट, हम जानते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास पेयर है उसमें से एक नंबर लेना पड़ता है। जैसे 2 का पेयर एक है तो एक 2 उतार लो, 3 का एक पेयर है तो एक 3 उतार लो, 7 तो हमारा कट हो चुका है, तो बस 2 मल्टीप्लाई 3 करो तो आपको जो स्क्वायर रूट है ना नए वाले नंबर का वो पता चल जाएगा। तो 2 3 जो हो गया हमारा 6, यानी कि जो नया वाला नंबर है उसका स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा।
कितना सिंपल है, देखा आपने, आपको डिवाइड करके पता भी नहीं करना पड़ा कि जो नया नंबर है वो कितना है, बस आपने डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो इसी तरीके से आपको करना है। बाकी अगर आप चाहते हो तसल्ली के लिए कि सर मेरे को एक बार चेक करना है कि मेरा आंसर सही कि नहीं, तो आप क्या करो 252 को साइड में 7 से डिवाइड दे दो, जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ 252 डिवाइड बाई 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 3 21 आ गया, बच गया यहाँ पर से हमारे पास 4 और ये 2 उतर जाएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद फिर 7 6 हमारा 42 आ गया। तो जब हम लोग यहाँ पर 7 से डिवाइड दिए इस नंबर का, तो हमारे पास कितना आ रहा है 36 आ रहा है नए नंबर, और 36 हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, और उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, तभी ना 6 × 6 हमारा 36 आता है। ये सब क्लियर है ना। देखो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाला है। इसलिए आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से जरूर देख लेना, क्लियर है। तो ये हमारा इसका बस यही दोनों आंसर होगा, 7 रिक्वायर्ड नंबर है और 6 जो है वो स्क्वायर रूट है इसका, क्लियर है, नए वाले नंबर का यानी कि। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो बहुत डिटेल मैंने समझाया, अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अगला नंबर हमारे पास है 2925। चलो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से हो रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। सभी को ऐड करो, तो 5 और 2 हो गया हमारा 7, ठीक है, 7 और 2 हो गया 9, और ये 9 मिला दो तो हो जाएगा 18, 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो दो नंबर ले लेंगे एक साथ, तो 3 9 जो हो जाएगा 27, यहाँ 20 में से 27 कट हुआ, बचा 2, वो आगे वाले 2 के साथ जाकर 22 बन जाएगा, तो फिर 3 7 जो 21 हो जाएगा, 22 में से 21 कट हुआ, बचा 1, आगे जाकर इसको 15 बना देगा, तो 3 5 जा 15 हो गया। इस तरीके से आपको डिवाइड देना है, ठीक है, डायरेक्ट एकदम। अब यहाँ पर फिर अब ये कितना बन जा रहा है चेक कर लेते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन अगर 3 से होगा तो हमको पहले 3 से करना है, तो 5 और 7 हो गया हमारा 12, 12 और 9 होता है 21, यानी कि 3 से फिर हो रहा है, तो 3 से करो, 3 3 9, 3 2 6, 7 में से 6 कट हुआ, बचा 1, वाग जाकर 15 बना दिया, तो 3 5 15, 3 से कट हो गया, फिर 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 2 5 और 5 10, अब 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से ही होगा, तो यहाँ पर हम 5 से कर लेते हैं, 5 6 30, 2 बच गया 30 में, 2 में से 2 कट होकर के वाग जाकर इसको 25 बना देगा, तो फिर हो जाएगा हमारा 5 5 25, फिर से 5 से हो रहा है, 5 1 5 1 इधर गया, तो 5 3 15, अब ये 13 से ही हो रहा है, 13 1 13, तो अब देखो हमारे पास पेयर बन गया, 3 का पेयर मिल गया, 5 का पेयर मिल गया, 13 का पेयर नहीं मिल रहा, यानी कि हमको क्या करना है, 13 को यहाँ से गैप कर देना है, तब हमारा पेयर बचेगा, और जब पेयर बचेगा तो हम आसानी से उसका बता सकते हैं कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो रिक्वायर्ड नंबर, शॉर्टकट में आर एन लिख देता हूँ मैं, जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है वो है 13, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट को मैं शॉर्टकट में एस आर लिख देता हूँ, जो नया नंबर जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 3 का पेयर बचेगा और 5 का पेयर बचेगा, 13 तो गायब हो गया, तो 3 के पेयर में से 3 उतार लो, 5 के पेयर में से 5 उतार लो, तो 3 5 जो हो गया 15, यानी कि जो स्क्वायर रूट रहेगा वो हमारा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए अगला नंबर है हमारे पास 396, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 396 है, लास्ट में 6 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 हुआ, 1 इधर गया, तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 1 इधर गया तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 9 18 ले लो पहले, 19 में से 18 का जो बचा 1, आगे जाकर के फिर से 18 बना देगा, तो फिर 2 9 18 हो गया, अब ये 3 से ही होगा, 2 से तो हो नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, तो ये हम लोग 3 से कर लेते हैं, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से कर लो, 3 1 3, 3 1 3, अब 11 से होगा, तो 11 1 11, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि 11 को गायब करना है, तो हम 11 से डिवाइड दे देंगे, इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, वो है 11, क्लियर है, 11 से डिवाइड दोगे तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और जो स्क्वायर रूट मिलेगा हमको नया वाला वो कितना मिलेगा, तो 11 तो गायब हो गया, तो 2 के पेयर में से एक 2 उतार लो, 3 के पेयर में से एक 3 उतार लो, तो 2 3 6 हमारा नया स्क्वायर नंबर मिलेगा, क्लियर है, यानी कि स्क्वायर रूट। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, इसको देखना आप 11 से डिवाइड दोगे ना तो आपका कन्फर्म है कि 36 ही आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट 6 आया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 6 आया था तो 36 आया था डिवाइड करने के बाद, वैसे यहाँ पर भी हमारा 36 ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 2645, आइए डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 5 है, 3 से चेक कर लेते हैं, तो 5 और 4 हो गया हमारे पास 9, 9 और 6 हो गया 15 और 2 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ये 5 से होगा, तो हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 5 25 हो गया, 1 बचेगा 26 में से 25 कट होने के बाद, वो आगे जाकर इसको 14 बना देगा, तो 5 2 10 हो जाएगा, 14 में से 10 कट हुआ, बचा 4, वो आगे जाकर इसको 45 बना दिया, तो 5 9 जो हो गया हमारा 45, ठीक है। अब देखो ये किससे हो रहा है, 529 आ गया है, और 529 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन से में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, ये जो हमारा 529 होता है ये आप 2 से डिवाइड करना चेक कर लो, 3 से कर लो, किसी से भी कर लो, आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 23 का, जो कि एक प्राइम नंबर है,
ठीक है, तो आप इसको चेक करते करते थक जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कि कम से कम 20 तक तो याद कर ही लो और हो सके तो 30 तक भी स्क्वायर याद कर लो ताकि आपका काम है। जैसे मान लो अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो 520 लेना आपका फंस जाएगा, अब इसको आप चेक करते करते थक जाओगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो लास्ट में आपको मिलेगा कि ये 23 से डिवाइड हो रहा है, 23 का टेबल 23 टाइम हम लोग पढ़ते हैं तो 529 आता है। तो अगर आपको याद रहेगा ना स्क्वायर्स तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, वैसे में तो फाइंड तो कर लोगे, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप फाइंड नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा टाइम कंजम हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करो कम से कम 20 तक याद कर ही लो और हो सके तो 30 तक भी याद कर लो। क्या चीज़ याद करना है, स्क्वायर्स याद करना है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 होगा, 11 के स्क्वायर 121 होगा, 13 के स्क्वायर 169 होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसका होता है, 23 का होता है, ये मैंने आपको कहाँ पर बताया, पता है क्वेश्चन नंबर 4 का 9 नंबर का क्वेश्चन मैं बताया था, वहाँ पर भी हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना था और 529 दिया हुआ था, तो उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो ये हमारा 23 से होगा, तो डायरेक्ट इसको 23 से कर लो, 23 है ना का टेबल 23 टाइम पढ़ेंगे तो इतना जाएगा और फिर लास्ट में हमारा 23 बन जाए 23। तो देखो 23 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, क्लियर है। और जब हमारा स्क्वायर रूट मिलेगा तो केवल 23 का पेयर बच रहा है, तो स्क्वायर रूट जो होगा हमारा वो 23 ही हो जाएगा, जो हम एक 23 उतार लेंगे, दूसरा तो कोई पेयर मिल नहीं रहा जिससे हम मल्टीप्लाई करें, तो केवल इसका जो स्क्वायर रूट होगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। फिफ्थ नंबर में कितना दिया हुआ है, 2800, ठीक है, अच्छी बात है, 2800, 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 00 उतार दो, फिर 2 से हो रहा है, 2 7 14, 00 उतार दो, फिर 2 से हो रहा है, तो 2 का टेबल हम लोग कितना टाइम पढ़े कि हमारा 700 आ जाए, देखो 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ पर हमारा 1 बचा, वो आगे जाकर इसको 10 बना देगा, तो 2 5 10 और ये 0, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 2, 1 आगे गया 2 है ना, फिर उसके बाद हो जाएगा ये 15 बनने के बाद, 2 7 14, फिर 1 आगे जाएगा और 2 5 10 हो गया, अब ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 5 और 7 हो जाएगा हमारा 12 और 1 13, यानी 3 से नहीं होगा क्योंकि 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम 5 से करेंगे डायरेक्ट क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से तो ही जाएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, बचा 2, आगे जाकर 25 बनाया, तो 5 5 25, फिर 5 से हो रहा है, 5 7 35, और फिर से हमारा ये 5 7 से हो रहा है, अब तो 7 1 7, देखो आपको 2 का पेयर मिल गया, यहाँ पर भी 2 का पेयर मिल गया, ये 5 का पेयर मिल गया, 7 का पेयर नहीं मिल रहा, यानी कि हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 7 गायब हो जाएगा, इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कौन सा है, तो वो हमारा 7 है, और जो स्क्वायर रूट मिलेगा हमको नए वाले नंबर का वो कितना मिलेगा, तो यहाँ से 1 2 उतारो, इस वाले में से 1 2 उतारो और यहाँ से 5 को उतार दो, ठीक है, 1 5, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 5 जो हो जाएगा हमारा 20, यानी नए वाले नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 20 होगा। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है अब उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 1620, ठीक है, 16 और 20, लास्ट में 0 है, 2 से होगा ही, 2 8 जो हो गया 16, 2 1 2 और ये 0 उतर गया, फिर 2 से हो रहा है, 2 4 8, अब देखो हम लोग दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं क्योंकि 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम दोनों को मिला करके 10 बना देंगे, और 10 को जब एक साथ लेंगे तो हमको रूल पता है कि जैसे डिवाइड में हम लोग बाद में डबल डिजिट लेते हैं तो एक 0 लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ही आपको 0 लगाना है, तो 0 लगा दो और 2 5 10 कर लो, ठीक है। अब ये हमारा 3 से हो रहा है क्योंकि 5 और 4 9 होता है, तो 3 से कर लेंगे, 3 1 3 हो गया, 1 बचा वो आगे जाकर इसको 10 बना दिया, 3 3 9, फिर 1 आगे गया और 3 5 15, अब 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी फिर से 3 से हो रहा है, 3 4 12 हो जाएगा, स्टार्टिंग में 2 डिजिट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में नहीं ले सकते, 0 लगाए बिना ले सकते हो, यानी कि 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 2 4 हो जाएगा 12, 1 आगे गया, 3 का पढ़े थे ना, तो 3 5 15 हो गया, फिर से 3 से हो रहा है, 3 के टेबल में हम लोग जानते हैं 15 टाइम पे हमारा 45 आता है, फिर 3 से हो रहा है, 3 5 15, और फिर हमारा हो जाएगा 5 से 5 1 5, तो देखो 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 5 का पेयर नहीं बना, इसका मतलब हम लोग को 5 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 5 हो गया, और जो स्क्वायर रूट निकलेगा नया वाला वो कितना निकल जाएगा, 2 यहाँ से 3 और इन दोनों 3 में से 1 3, तो हो जाएगा 2 3 6 और 6 3 जो होता है हमारा 18, यानी कि जो स्क्वायर रूट निकलेगा नया नंबर का वो 18 निकलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था, सेम था ना क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही, बस वहाँ पर मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पर हमको डिवाइड करना था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हमारे क्या बोलते हैं इनको, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एकदम सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा, ज़्यादा स्टेटमेंट का टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।